अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इंटरनेशनल अवार्ड्स। क्लियर? तो आज हम जितने इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अवार्ड्स तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड्स है उसको डिस्कस करेंगे, और एक दिन फिर पाकिस्तान के जो नेशनल अवार्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपके लाया पास लाया हूँ ऑलमोस्ट 6 इंटरनेशनल अवार्ड्स जो इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सिग्निफिकेंस रखते हैं वर्ल्ड लेवल पर। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो आपके पास आए और आपसे मिस ना हो। क्लियर? तो जाते हैं, पहला हमारे पास जो प्रेस्टिजियस प्राइज़ है इस वक्त वर्ल्ड में वो नोबेल प्राइज़ है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ जो है ये इस्टेब्लिश किया गया है 1901 में। द नेम ऑफ अल्फ्रेड नोबल इन्वेंटेड डायनामाइट। ये एक स्वीडिश केमिस्ट था, इंजीनियर था, जिसने डायनामाइट को जो है इन्वेंट कर दिया, डिस्कवर कर दिया। उस डायनामाइट के बेस पर 1901 में उसको नोबेल प्राइज़, उसी के नाम से नोबेल प्राइज़ इस्टेब्लिश किया गया। और यानी इसका मतलब है इसको पहले 1901 में अवार्ड कर दिया गया। अब इस नोबेल प्राइज़ जो है हमारे पास टोटल 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। क्लियर? कितने कैटेगरीज में? 6 कैटेगरीज में ये दिया जाता है। इसमें 6 कैटेगरीज में हमारे पास फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, लिटरेचर है, पीस है, इकोनॉमिक्स है। क्लियर? और जो हमारे पास इकोनॉमिक्स है ये ओरिजिनल नोबेल प्राइज़ नहीं है। ये इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ 1968 में एस्टेब्लिश कर दिया गया। क्लियर? जो एक बैंक था गारमिन बैंक के नाम पर जो है, जो बांग्लादेश से एक साइंटिस्ट था डॉक्टर यूनुस, उसके नाम पर जो है फिर ये इकोनॉमिक का जो नोबेल प्राइज़ था उसको भी एस्टेब्लिश किया गया। तो ये जो हमारे पास ओरिजिनल नोबेल प्राइज़ नहीं है, हमारे पास ओरिजिनल 5 नोबेल प्राइज़ है और ये बनता है 6ठा नोबेल प्राइज़। क्लियर? जो हमारे पास एक प्राइज़ है वो नॉर्वे में दिया जाता है और बाकी 5 प्राइजेज जो हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि टोटल 6 नोबेल प्राइज़ है। एक पीस प्राइज़ नॉर्वे वाले देते हैं, नॉर्वे कंट्री देते हैं, बाकी जो हमारे पास 5 नोबेल प्राइज़ है ये हमारे पास स्वीडन में दिए जाते हैं। और इस नोबेल प्राइज़ की अब कीमत कितनी है, यहाँ पे ऑलमोस्ट इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख दा लाख 11,45,000 2020 के मुताबिक। किसके मुताबिक? इस ईयर के मुताबिक 20 के मुताबिक इसकी प्राइस जो है वो 11,45,000 $45,000 है। ओके, 11,45,000 $45,000 इसकी कीमत थी। इसके साथ दिया क्या जाता है अवार्ड्स में, एक तो गोल्ड मेडल दिया जाता है, दूसरा उसके साथ एक डिप्लोमा दिया जाता है, और तीसरा इसके साथ जो है इतने $45,000 जो है उसको प्राइस दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। क्लियर? और ये जो हमारे पास इकोनॉमिक नोबेल प्राइज़ हैं ये 1968 में इस्टेब्लिश कर दिया गया। 609 प्राइजेस इस वक्त टोटल जो हैं 975 जो है उसमें तकसीम कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जिसमें हमारे पास 943 इंडिविजुअल्स और 25 ऑर्गेनाइजेशन हैं। अब ये बात आती है कि ये 609 नोबेल प्राइज़ हैं तो ये 609 नोबेल प्राइजेज़ हैं और इसको 975 में कैसे तकसीम कर दिया गया है। बेसिकली ये हमारे पास 943 है तादाद, इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने एक या दो दफ़ा नोबेल प्राइज़ लिया गया है, तो हम इसको कहते हैं 975 टोटल जो हैं वो नोबेल प्राइज़ इंडिविजुअल्स में एस्टेब्लिश कर दिए। तो इसमें ऐसे भी जिन्होंने एक या दो दफ़ा नोबेल प्राइज़ लिया है। क्लियर? जैसे बारक ओबामा ने 2 बार लिया, और अब से ज़्यादा जो रेड क्रॉस ने ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा रेड क्रॉस ने लिया है, और जो हमारे पास मैडम क्यूरी है जिसने, उसको भी लिया है 2-3 दफ़ा। क्लियर? तो ये हमारे पास वो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने 2 या 3 बार नोबेल प्राइज़ लिया है, इनकी वजह से इनकी तादाद 975 बनता है और 943 इंडिविजुअल्स बनते हैं। एक दूसरा, 609 नोबेल प्राइज़ इतने में कैसे तकसीम हुआ, तो
तो एक ऐसे मतलब नोबेल प्राइज़ भी आया मतलब जो चार बंदों ने लिया है, तीन बंदों ने लिया है, तो इस वजह से ये तादाद थोड़ी ज़्यादा है। इसमें टोटल 25 ऑर्गेनाइजेशन ने इस वक्त नोबेल प्राइज़ लिया है। 2001 के पीस प्राइज़, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि जो पीस प्राइज़ है वो किसने लिया है। 2021 का पीस प्राइज़ मारिया रेसा और डेमेट्री मोराटू ने जो है ये नोबेल प्राइज़ पीस का ले लिया। तो सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ कौन है? मलाला जो है, मलाला यूसुफ़ज़ई जो है वो यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ हैं जिन्होंने अच्छा ये जो नोबेल प्राइज़ लेते हैं इनको लिवरेट कहते हैं। 17 ईयर्स में 2014 में इसने नोबेल प्राइज़ जो है ये लिया था। क्लियर। और फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने नोबेल प्राइज़ लिया वो डॉक्टर अब्दुल सलाम है, ठीक है, अब्दुल सलाम जिन्होंने 1968 में नोबेल प्राइज़ लिया था। इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस यानी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को अलाइदा कर दिया था, उसके बेस पर यानी फिज़िक्स में इसको दिया गया। जबकि इसने मलाला यूसुफ़ज़ई ने पीस में जो है नोबेल प्राइज़ लिया है। अब फर्स्ट पाकिस्तानी जो है वो 1968 में जो नोबेल प्राइज़ लेते हैं। और सबसे फर्स्ट जो हमारे पास मुस्लिम है वो अनवर सादत है जिन्होंने 1967 में नोबेल प्राइज़ लिया था। क्लियर। तो ये ओवरऑल हमारे पास नोबेल प्राइज़ की तादाद, नोबेल प्राइज़ की जो टोटल फैक्ट्स एंड फिगर्स वो मैंने आपको बता दिए। नोबेल प्राइज़ 2021 के साथ ये हमारे पास तादाद बन रही है 609 नोबेल प्राइजेस बन रहे हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास है पुलिट्ज़र प्राइज़। ये 1917 में इस्टेब्लिश कर दिया जोसेफ पुलिट्ज़र के नाम पर, और ये एक अमेरिकन हंगेरियन पॉलिटिशियन था, ठीक है, उसके नाम पर ये प्राइज़ दिया जाता है। ये टोटल बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं कि ये 21 कैटेगरीज में या 22 कैटेगरीज में दी जाती है। किस में? न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, जर्नलिज्म में। मतलब ये जो हमारे पास ये प्राइज़ दिया जाता है ये कब इस्टेब्लिश कर दिया गया? ये 1917 में इस्टेब्लिश कर दी गई। क्लियर। अच्छा, इसकी जो हमारे पास ताकत कितनी, यानी इसकी पैसे कितनी है, इसकी क्या वो है? अगर आप एक नो पुलिट्ज़र प्राइज़ लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? 15,000 आपको $ मिलते हैं, $15,000 आपको मिलते हैं, और एक गोल्ड मेडल आपको मिलता है, इसके साथ एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। किसके नाम पर ये इस्टेब्लिश कर दिया? ये एक हंगेरियन अमेरिकन पॉलिटिशियन था जोसेफ पुलिट्ज़र, उसके नाम पर ये प्राइज़ दिया जाता है। किधर दिया जाता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक पाकिस्तानी वो है, पाकिस्तानी बर्न है, आदिल लतीफ़ जो है, उसने ये एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं। इन 2008 इसने म्यांमार में ज़बरदस्त किस्म की फ़ोटोग्राफी की थी। ये पाकिस्तानी बर्न फोटो जर्नलिस्ट ने ये प्राइज़ लिया है अभी तक। बाकी वैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्राइज़ लिए, वो पाकिस्तानी नहीं है। एक और बंदा है आयाद अख्तर है, जो कि अमेरिकन नेरेटेड है, ये अमेरिका में, उसने भी ये प्राइज़ लिया है, बट यू कैन कैनॉट बी कॉल्ड अ पाकिस्तानी। क्लियर। मैग्सेसी अवार्ड है, ये 1957 में इस्टेब्लिश कर दिया, ये इस्टेब्लिश कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस, या हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्विस या पब्लिक सर्विस। जो बंदा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं पब्लिक सर्विस में या गवर्नमेंट सर्विस में तो उसको जो प्राइज़ दिया जाता है वो मैग्सेसी अवार्ड है। ये कौन देते हैं? ये फिलीपींस में दिया जाता है। क्लियर। ये 6 कैटेगरीज में दी जाती है, और उस बंदे का नाम जो 7th प्रेसिडेंट था फिलीपींस का, रोमन मैग्सेसी, इसके नाम पर ये प्राइज़ दिया जाता है फिलीपींस में। क्लियर। तो ये हो गया 1957 में इस्टेब्लिश। अच्छा, लेनिन प्राइज़ जो है ये हमारे पास, ये लेनिन प्राइज़ है, ये रशियन प्राइज़ है, पीस प्राइज़ है। ये कब इस्टेब्लिश कर दिया गया? 1925 टू 1934 अवार्ड। 1935 टू 1956 ये अवार्ड नहीं दिया गया कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। यहाँ पर प्राइज़ दिया जाता था स्टालिन प्राइज़, बट 1956 में इसको वापस इस्टेब्लिश कर दिया।
ये फॉरेन सिटीजन्स के लिए मुख्तलिफ उसमें पोइट्री में लिटरेचर में मतलब फीस में वगैरह में दी जाती है। और ये दो पाकिस्तानी को अभी तक मिला है, फैज़ अहमद फैज़ को मिला है और पाकिस्तान के अब्दुल सत्तार इदी को ये प्राइज़ मिले हैं। ये रशिया के प्राइज़ हैं। क्लियर। राइट लाइवलीवुड अवार्ड। अच्छा, ये हमारे पास जो है राइट लाइवलीवुड अवार्ड जो है ये इस्टेब्लिश 1980 है में इस्टेब्लिश कर दिया बाय जर्मन स्वीडिश फिलेंथ्रोपिस्ट जेकब ओन एक्सकल जो है इसने इस्टेब्लिश कर दी है। इसको अल्टरनेट नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है बाज़ औक़ात। इसकी वजह यह है कि जो हमारे पास नोबेल प्राइज़ जो कि एनवायरनमेंट जो कि इस वक्त बहुत हॉट इशू है वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो जो हमारे पास नोबेल प्राइज़ में जब ये कैटेगरी नहीं रखी तो फिर स्वीडिश ने क्या कर दिया, कंपनी ने ये प्राइज़ इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम है राइट लाइवलीवुड अवार्ड। और ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीस, हेल्थ एंड एजुकेशन में ये दिया जाता है। कंट्री कौन देते हैं? स्वीडन देते हैं। इसको अल्टरनेट नोबेल प्राइज भी कहते हैं, अल्टरनेट नोबेल प्राइज भी कहते हैं, बट इट इज नॉट अ नोबेल प्राइज। ये इतना मतलब अच्छा अवार्ड है। इसके बाद है हमारे पास ओस्कर अवार्ड। ओस्कर अवार्ड 1929 में एस्टेब्लिश कर दी गई है और ये इसको एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। क्लियर। कॉल्ड एकेडमी अवार्ड। प्रेजेंट कौन करते हैं? प्रेजेंटेड बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, AMPAS, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, ये एकेडमी देते हैं। कॉल्ड ऑफिशियली अवार्ड ऑफ मेरिट, इसको ऑफिशियली अवार्ड ऑफ मेरिट कहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में के मतलब दिया जाता है। कंट्री जो है इसका यूनाइटेड स्टेट है और जो पाकिस्तानी जिसने इस अवार्ड को दो बार जीता है वो शर्मिन उबैद चुना है 2002 में। पाकिस्तानी है। सेविंग फेस की एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म उसने बनाई थी, उसके बेस पर उसने जीता था। दूसरा जो हमारे पास 2016 में अ गर्ल इन द ड्राइवर द प्राइज ऑफ फॉरगिवनेस जो है, ये दो अवार्ड्स, दो फिल्म, शॉर्ट फिल्म जो है उन्होंने इनके बेस पर उनको उसका अवार्ड मिला था। तो ये हमारे पास टोटल अवार्ड्स हैं। अगर आप हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिस करते हैं तो स्लोएड स्टडी में फिर इस पर एक लेक्चर दे दूंगा जो जिसमें फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसने लिया था, फर्स्ट वुमेन कौन है, इसमें यंगेस्ट वुमेन कौन है, यंगेस्ट मैन कौन है, इसमें फर्स्ट मैन कौन है, सॉरी फर्स्ट वुमेन कौन है, तो इसी तरह एक हमारा लेक्चर इस पर भी रहेगा। तो एक और पाकिस्तान के जो अवार्ड्स है वो भी रहेंगे, इनको भी आप नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और शेयर किया होगा। थैंक यू। अपनी दुआ में याद रखिएगा।